गहरे में देखें तो मनुष्य का जीवन शरीर, विचार और भावनाओं से बना है। यहीं पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो चीज़ें आपके लिए सहायक होती हैं वही चीज़ें एक बिंदु पर जाकर बाधा बन जाती हैं। तो गुरुजी एक चीज़ बताइए, ये जो हमारी आध्यात्मिक अंदर की जो जर्नी है, इसको शुरू करने की प्यास तो खैर सब में आप कह रहे हैं होती है, मुझ में भी है, इसमें विचार जो है ये बाधक हैं जी या सहायक हैं? वास्तव में सुरेश मोहन जी, जो कुछ भी प्रकृति ने, अस्तित्व ने हमें दिया है वे सब हमारे लिए उपयोगी हैं, प्रकृति का उपहार है। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन्हें साधन के रूप में प्रयोग कर पाते हैं अथवा उन्हें बाधा बना लेते हैं। जी, गहरे में देखें तो मनुष्य का जीवन शरीर, विचार और भावनाओं से बना है। तो विचार वैसे ही महत्वपूर्ण हैं व्यक्ति के लिए, भाव उतने ही महत्वपूर्ण हैं व्यक्ति के लिए जितना महत्वपूर्ण शरीर। अगर शरीर है और विचार करने की शक्ति आपकी चली जाए तो आप वेजिटेबल हो जाए। बिल्कुल, यानी विचार बड़ी महत्वपूर्ण शक्ति है मनुष्य की। लेकिन यहीं पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो चीज़ें आपके लिए सहायक होती हैं वही चीज़ें एक बिंदु पर जाकर बाधा बन जाती हैं। सहायक होती हैं जब तक, तब तक उन्हें पकड़ना पड़ता है, उनका उपयोग करना पड़ता है। जब बाधा बनने लगती है तब उनको छोड़ना पड़ता है। उदाहरण के लिए, नदी के उस पार जाने के लिए नाव पर चढ़ना जरूरी है, लेकिन अगर नाव पर ही बैठे रह गए तो आप नदी के उस पार जा सकेंगे? कभी जी, कभी नहीं जा पाएंगे। नाव को उस पार पहुंचकर छोड़ना भी जरूरी है जी। सीढ़ियों पर चढ़े बिना आप मकान की छत पर नहीं पहुंच सकते जी। लेकिन सीढ़ियों पर खड़े रह गए तो जिंदगी भर मकान की छत पर नहीं पहुंच। दो भिक्षुओं की कहानी आपने सुनी होगी। एक भिक्षु कहता था, जिंदगी में पैसे ही सभी दुखों का मूल है, इसलिए पैसों को छूना ही नहीं चाहिए, पैसों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। वो पैसों को हाथ ही नहीं लगाता था। दूसरा भिक्षु कहता था, तुम ना समझो, अगर इस संसार में रहना है तो पैसे के बिना जीवन चल ही नहीं सकता। सही है। और दोनों में हमेशा विवाद होता रहता था। एक दिन उन्हें बाढ़ की छोटी सी नदी को पार करना था, तीर्थ यात्रा पर थे, तो नाव करना जरूरी हो गया। तो जिस भिक्षु के पास पैसे थे उसने पैसे दिए और दोनों मित्र पार हो गए। जिस भिक्षु के पास पैसे थे उसने कहा, देखिए अब तो सिद्ध हो गया कि अगर पैसे ना होते तो हम नदी के उस पार नहीं जा सकते थे। तो दूसरे भिक्षु ने कहा, तुम ना समझो, तुम पैसे थे इसलिए पार नहीं हो सके, पैसे का होना काम नहीं आया, पैसे का छोड़ना काम आया, तुम पैसे छोड़ सके गुड वन इसलिए तुम नदी पार कर सके।